दुनिया के कई देशों में छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने लगी है, लेकिन भारत में अभी तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सवाल तो लगातार किए जा रहे हैं, तीसरी लहर का खतरा भी बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले में रणनीति स्पष्ट नहीं है। अब कोविड टास्क फोर्स के चीफ वीके पॉल ने भारत सरकार की रणनीति को लेकर विस्तार से बात की है। उन्होंने बताया कि बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, सरकार इस पर काम कर रही है। बच्चों की वैक्सीन पर क्या अपडेट है? वो कहते हैं कि हमें इस बात का एहसास है कि कई देशों में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगने लगी है, हम भी कोई फैसला लेंगे, लेकिन सिर्फ रिसर्च और सप्लाई सिचुएशन के ध्यान में रखते हुए। वहीं अभी के लिए पॉल द्वारा कोई भी टाइमलाइन नहीं दी जा रही है। उनकी नजरों में जाइडस कैडिला की वैक्सीन को टीकाकरण में शामिल किया जा रहा है, ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा। वैसे बच्चों की वैक्सीन पर तो कोई सामान्य समय सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन पॉल ने साफ कर दिया है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। उनके मुताबिक अभी के लिए देश में कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानी नहीं छोड़ी जा सकती। वो मानते हैं कि कई देशों में दो से ज्यादा लहर देखी गई हैं, ऐसे में कब मामले अचानक से बढ़ने लग जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अभी देश में कई त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में फिर वायरस तेजी से पैर पसार सकता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।